एक स्टार किड्स होते हुए भी अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अभिषेक अपनी हर फिल्म में शानदार एक्टिंग करते हैं, इसके बावजूद उन्हें अभी तक वो सफलता नहीं मिल पाई है जो उनके पिता यानी महानायक अमिताभ बच्चन को मिली। कई लोग तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। उन्होंने हाल ही में एक घटना को याद किया जहां उन्हें एक सार्वजनिक समारोह में एक बड़े स्टार के लिए फ्रंट रो की सीट खाली करने के लिए कहा गया था। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपने साथ हुए भेदभाव को लेकर बातें कहीं। एक्टर ने कुछ उदाहरण को साझा करते हुए कहा कि उन्हें कई बार बिना किसी जानकारी के फिल्मों से हटा दिया गया और उन्हें जज किया गया। अभिषेक ने रोलिंग स्टोन इंडिया से कहा, एक बार मुझे फिल्म से हटाया गया और बताया भी नहीं गया, और जब मैं शूटिंग पर गया तो देखा कोई और एक्टर मेरा सीन शूट कर रहा है, मैं बस वहां से फिर चला आया। मुझे फिल्मों से निकाला गया और लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, और मुझे लगता है कि यह नॉर्मल है, हर एक्टर को इस फेज से गुजरना पड़ा है, मेरे पिता ने भी ऐसे दिन देखे हैं। अभिषेक ने आगे बताया, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब मैं एक बड़े इवेंट में गया हूं और मुझे कहा जाता है कि आप आगे की कतार में बैठेंगे, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा स्टार आया मुझे उठाकर पीछे की लाइन में बैठने को कहा गया। यह सब शोबिज का हिस्सा है, आप इन सब को पर्सनली नहीं ले सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप घर वापस आएं और सोने से पहले खुद से एक वादा करें कि मैं अब बहुत मेहनत करूंगा, मैं उनसे भी ज़्यादा कामयाब बनूंगा और फिर मुझे आगे की कतार से उठाकर पीछे नहीं बैठाया जाएगा। वहीं अभिषेक बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को हाल ही में क्राइम थ्रिलर बॉब विश्वास में शीर्ष भूमिका निभाते हुए देखा गया था, जो 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी का स्पिन ऑफ है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई थी। इससे पहले एक्टर द बिग बुल, लूडो और मनमर्जिया का हिस्सा भी रहे हैं, जहां उनके परिपक्व प्रदर्शन के लिए सराहना की गई थी।